यानी से आज का जो बजट पेश हुआ पार्लियामेंट में, जिसको कि हम कहेंगे इलेक्शन बजट पेश हुआ, और इसमें और कुछ नहीं था स्पीच में। अगर आप ध्यान से देखें, कल आपने आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी सुना होगा, करीब करीब 90% जो उन्होंने बोला वहां पे अपने अभिभाषण में, 90% वही रिपीट हुआ है। उसमें थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का चेंज है और उसमें बहुत बड़ा धोखा है, मैं आपको समझाता हूँ, वही राष्ट्रपति का हुआ। और आज बहुत ही अपने आप ही खुद वाई वाई लूटी, एक जो 5 लाख की छूट दी, आपने देखा होगा, आप हाउस में नहीं होंगे, मैं हाउस में था और आपने टीवी में देखा होगा, कम से कम 10 मिनट तक मोदी मोदी, जब 5 लाख का डिक्लेयर हुआ, मोदी मोदी मोदी, और मोदी जी भी ऐसे जोर से, ओरस भी जोर से बजा रहे थे। मैं देख रहा स्कूल के बच्चे हैं क्या कर रहे हैं ये, कि 5 लाख 5 लाख 5 लाख, और जब देखा खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, मैं आपके सामने है, इसमें इन्होंने क्या किया है। पहले जो प्रावधान था एक सेक्शन 87 ए है, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख है, आज भी इन्होंने 2.5 लाख ही रखी है, उसमें एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। जो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट है जिस पर टैक्स लगेगा वही है। पिछले साल क्या किया था, 2.5 लाख को 3.5 लाख किया था, 3.5 लाख सब किया था कि उसमें जो है 2,500 की छूट टैक्स बनता था, वो छूट दे देंगे 2,500 की, जब तक कि 3.5 लाख से ऊपर इनकम ना जाए। अगर 3.5 लाख से ऊपर इनकम चली गई तो आपको वो भी छूट नहीं मिलेगी, तो यू विल गो बैक टू बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 2.5 लाख। अब इन्होंने उसी क्लॉज में क्या किया है, 87A में ही अब इन्होंने ये डाल दिया है, पहले क्या था, फॉर दी वर्थ 350,000, अब इन्होंने ये कर दिया, पहले क्या 350, 3.5 लाख की छूट थी, अब इन्होंने उसको कर दिया 550,000। बाद में इन्होंने क्या किया है कि इस पे 12.5 हजार टैक्स बनता है, तो 12.5 हजार की छूट आपको मिल जाएगी, तो 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है। 2.5 लाख और आपका 5 लाख के बीच में जो टैक्स आता है 12.5 हजार, उसकी छूट मिल जाएगी, बशर्ते कि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर ना जाए। 5 लाख से ऊपर जाते ही आप वापिस 2.5 लाख पे आ जाओगे, कोई सुन नहीं। और बड़ी शर्म की बात है, पूरे देश मतलब आज मतलब कितना बड़ा धोखा, 130 करोड़ आदमी को धोखा दिया प्रधानमंत्री ने हाउस में बैठ के, और कम से कम 10 मिनट मोदी मोदी 5 लाख में, और ये जो है इस तरह का मतलब ये कुछ चीज छुपी थोड़ा रह सकती है, लॉ की पॉइंट है। आप साजू में राघव जी आपने डिस्कस कर बता रहे थे कि 5 लाख की छूट नहीं है, ये 2.5 लाख की छूट है, ये इसमें प्रावधान है। सिर्फ इन्होंने ये किया कि अगर 5 लाख पहले 3.5 लाख तक इनकम थी तो 12.5 हजार की छूट थी, उसमें जो है 2.5 हजार की छूट थी, अब इन्होंने ये कर दिया 5 लाख तक चली जाएगी तो उस पर टैक्स आपका 12.5 हजार बनता है, तो उसकी छूट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही 5 लाख से ऊपर जाओगे ये वापिस हो जाएगी। इसका कारण भी बताता क्यों किया इन्होंने, ये बड़ा धोखा देते हैं बार बार। मेरा ख्याल पिछले 6 महीने से ये कह रहे हैं कि 6 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न, 6 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न, आप इन्होंने इसलिए नहीं दी इनकी, अगर ये 5 लाख की छूट दे देते तो इनकी इनकम टैक्स रिटर्न हाफ रह जाती, अगले साल ये कैसे कहते कि हमारी 3 करोड़ की कैसे आ गई, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इन्होंने अपनी रिटर्न वही रख ली 6 करोड़ की, क्योंकि 5 लाख से तो ऊपर जाएगी जाएगी इनकम सबकी, तो वापिस वही। अब ये कभी नहीं बताते 6 करोड़ की रिटर्न में कि टीडीएस की रिटर्न में कितनी जब रिफंड क्लेम करें, सब टैक्स रिटर्न ही नहीं है, 75% रिटर्न वो होती है जो टीडीएस कट जाता है और वो रिटर्न में जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न में वो जाती है, फिर ये कहते टैक्स इतना बढ़ गया। अगर आप जो है डेली रेड करोगे, डेली लोगों को डराओगे, जा जाके आप क्या करते हैं, एक दिन के इनकम टैक्स की रेड करी 5 दिन वहां बैठे रहते हैं आप सर, उससे 100 करोड़ का डिक्लेयर करवा लेते हैं, ये अपने इनकम जोड़ देते हैं, वो आदमी भी रिट्रैक्ट कर जाता है, उसको भी पता रिट्रैक्ट कर गया, ये अलग मुद्दा है। लेकिन बजट में 5 लाख की कोई छूट नहीं है, ये बिल्कुल हर एक के मतलब है, इट शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अब आ जाइए, आप इन्होंने कहा 2.2% की इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, वो कैसे कम हो गया इन्फ्लेशन रेट, क्या ये नहीं बताते 8 करोड़ आदमियों को हमने अनएम्प्लॉयड कर दिया, 8 करोड़ युवक को, अगर 8 करोड़ आदमी, क्योंकि कल रिपोर्ट आई है अभी राघव जी ने कहा NSSO की, जिसमें 6.1% कहा है, उसमें 8 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं फिगर, अगर आप लें 130 करोड़ की, अगर आज मैं मेरे पे इनकम का साधन नहीं है तो मेरी परचेसिंग पावर डाउन आ जाएगी। क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, डिमांड अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है तो ऑटोमेटिक प्राइसिस डाउन आ जाएगी।
आज 8 करोड़ यूथ के पास कोई इनकम का साधन नहीं है, और वो क्या कर रहा है, उसको नहीं है तो परचेज नहीं कर पा रहा है। आपने देखा हो आपके दिवाली कितनी मंदी थी, मार्केट में लोग खरीदारी के लिए जा पा रहे थे बिल्कुल, उसका कारण ये क्या था, इनकम ही नहीं है। जब इनकम नहीं होगी और डिमांड सप्लाई बराबर बढ़ती जा रही है तो प्राइस डाउन आएगी। ये इन्होंने धोखा दिया है यूथ को, अनएम्प्लॉयड करके इन्होंने धोखा दिया है। और कहते हमने प्राइस कंट्रोल कर दी, कहते हमने इन्फ्लेशन 2.2 भी लिया है। ये थे एक इन्होंने इतनी मेहनत करके ये श्योर किया कि 8 करोड़ आदमी को नौकरी ना मिले, ताकि हमारे जो है फिगर 2.2 रह जाए इन्फ्लेशन और प्राइस हम कहें कि कलियर। तो इस तरह से अब सबसे लास्ट में उन्होंने क्या कहा, अब देश में विकास की क्रांति आएगी। भाई 5 साल तक आप क्या करते रहे थे, अब क्रांति आएगी आगे, आप तो मई के बाद हो नहीं, क्रांति कहां से आएगी, मई 2019 के बाद तो आप है ही नहीं, तो आप अब कह रहे हो, फिर जुमला छोड़ दिया, अब क्रांति आएगी, विकास की क्रांति आएगी। उन्होंने हाथ ऊपर ऊपर के कई बार कहा विकास की क्रांति आएगी, और प्रधानमंत्री हर बार ऐसे जोर जोर से हमारे नाम देखा होगा, हमने आपका कहता नहीं कभी देखा। अब आप एनपीए पे आ जाइए, आज एनपीए जो है स्ट्रेस एसेट जो बैंकों के हो गए हैं कोई 10 करोड़ के हैं, 10 लाख करोड़ के हैं, और कैपिटल रिजर्व इससे कम है, सब बैलेंस शीट नेगेटिव आ चुकी बैंकों की। ये कहते हैं बैंक हमने रिस्ट्रक्चर कर दिए। एक आज और उन्होंने बहुत बड़ा अच्छी बात कही, ये मिली भगत लग रही है मुझे यूपीए की और एनडीए की, इनकी भारतीय जनता पार्टी की, कहते हैं इस 10 लाख करोड़ एनपीए में से 5 लाख करोड़ ऐसे स्ट्रेस एसेट्स है जो कि यूपीए गवर्नमेंट ने कार्पेट के नीचे दबा रखे थे, वो हमने निकाले। अगर आपने निकाले तो मैनेजमेंट के अगेंस्ट आपने क्या एक्शन लिया, जो मैनेजमेंट उस टाइम था जिन्होंने ये मतलब गुनाह किया, जिन्होंने क्राइम किया, उसके अगेंस्ट आपने क्या एक्शन लिया। और 5 लाख करोड़ तो आप अपना ही मांग रहे, आपके टाइम में ही पड़े। अब ये कहते हैं जी हमने बैंक को ठीक कर दिया, डिपोजिट की बात करते हैं, ये कैसे हुए एनपीए। अगर आप लोगों को देश से भगाओगे रुपया ले लेंगे, चाहे नीरव मोदी है, चौकसी है या विजय माल्या है, अगर आप लोग एनपीए होंगे, लाखों करोड़ रुपए लेकर लोग भाग रहे हैं। है? ये जो है, एक चीज और बता दूं, हायरिंग फायरिंग की बात कही उन्होंने, युवक जो है इस टाइम जो नौकरी से 1,10,000 करोड़ निकल के ये देख फिगर आ रही है, कितने लोग जो है बेघर हो गए हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो आज मजाक के रूप में इलेक्शन के उसमें दिया है, लेकिन लोग सब समझते हैं जनता इनको 4 महीने में बाहर का रास्ता दिखाएगी। कोई सवाल, किस तरह का बजट मानते हैं आप इसको? है जी, किस तरह का बजट मानते हैं? ये इलेक्शन बजट है, और जो ये छूट भी दी थी, मैं तो हम बैठा हुआ सोच रहा था पार्लियामेंट में कि ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया, लेकिन जीरा भी नहीं निकला है। तो जब देखा हमने ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं पान मिला है। जस्ट फॉर सम क्लैरिटी, यू ऑल मेंशनड टू फिगर्स ऑफ पीपल हु हैव लॉस्ट जॉब्स, 8 क्रोर्स एंड जो छोड़ दिए है इसको फिगर नहीं है, वो फिगर इसमें नहीं है। जिनको इन्होंने देना था 6.1% जो कि पीछे से कंपेयर की है 2.2 से चलते हुए बीच में, ये अच्छा उसमें भी बड़ा अलग है। अर्बन की ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है बजाय रूरल की, लेडीज आप हमारे यहाँ बहनों की ज्यादा बढ़ी है अनएम्प्लॉयमेंट, अगर पूरा एमएसओ की आप रिपोर्ट पढ़े तो। सब्सक्राइब करें।